क्या दोस्तों आपके भी फ़ोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है? क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है? तो दोस्तों किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। हेलो नमस्ते, मैं विमलेश आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विमलेश में आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको। दोस्तों आपको क्या करना होगा आपके फ़ोन में अगर 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में भी ये ई बन के आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ई बन के आ जाता है, कभी कभी एच बन के आ जाता है, लेकिन 4G बन के नहीं आ रहा है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से जिस भी मोबाइल में आ रहा है सही करना है, उस मोबाइल की स्क्रीन के सामने इस तरीके से आ जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन को चला रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। जैसे आप यहाँ मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से एक सेटिंग करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा मिलेगा इस तरीके से। अगर आप कोई और दूसरी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर, जैसे हमने यहाँ पे रियलमी का फ़ोन में बता रहा हूँ, अगर आप रेडमी का वगैरह वगैरह किसी कंपनी का यूज़ करते हैं तो अलग अलग सेटिंग आपको मिलेंगी। आपको बस वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपका इंटरनेट नेटवर्क आता हो, ठीक है, वहाँ पर आपकी सिम शो हो रही हो, ठीक है। जैसे सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा है और वहाँ पर कई कई रेडमी के फ़ोन में नेटवर्क इंटरनेट टाइप भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं इस पर इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी सिम में ये प्रॉब्लम आ रही है, जिस सिम में आपका नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि इंटरनेट आपका जिस भी सिम में है, डाटा जिसमें आपने लगा रखा, पैक जिसमें लगा रखा है, ठीक है, उस भी सिम उसी सिम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरे सिम फर्स्ट में कुछ नहीं है, सेकेंड में एयरटेल डली हुई थी, उस पर हमने क्लिक किया सेकेंड सिम पर। इस तरीके से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। जैसे VoLTE कॉल्स, जैसे कि इस तरीके से आपकी ऑफ होगी, इसे आपको ऑन करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नेक्स्ट दोस्तों आप में आपको नेटवर्क टाइप का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको टैप करना है। जैसे यहाँ टैप करोगे दोस्तों, इस तरीके से ये देखो शो हो जाएगा आपके सामने। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा 4G 3G और 2G, इस वाले ऑप्शन पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। परफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क टाइप मोड, इस तरीके से आपको 4G कर लेना होगा, ठीक है, ये सब करना है। नेक्स्ट आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेंगी राइट हैंड साइड में 2 डॉट्स कोने पर, इस तरीके से क्लिक करना है। रीसेट यहाँ पर क्लिक करके रीसेट आपको कर देना होगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। इस तरीके से दोस्तों करने के बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ से इस तरीके से वापस निकलना है, ठीक है। ये सब दोस्तों करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 4G यहाँ पे नेटवर्क आने लगा। दोस्तों इस तरीके से आपको आने लगा होगा। अब यहाँ पे बैकग्राउंड से दोस्तों ये सारे ऐप हटा देने होंगे, ठीक है, ये सभी हटा देने होंगे आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है। आपकी ये प्रॉब्लम जो थी 4G 3G और ये इंटरनेट की ईवन के आती थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया, बिल्कुल लाइव प्रूफ। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।